प्रॉपर्टी रिकवर करने में मदद की, आज हम उनको कैश रिवार्ड दे रहे हैं। भगवती इलेक्ट्रिक शॉप में चोरी हुआ था लेट नाइट में, इसी के अंदर पुलिस की तरफ से भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में क्राइम नंबर 3/2022 FIR रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 380 IPC। पिछले 10 दिनों से भैंसा में इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज किया था। इस स्पेशल टीम में लीडरशिप कर रहे थे इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और साथ में सब इंस्पेक्टर शरीफ, सब इंस्पेक्टर मलिक और कांस्टेबल गंगाधर। तो इसमें हमने लास्ट 10 डेज में एक एफर्ट लगाते हुए एक्यूज को आइडेंटिफाई किया है। उसमें एक्यूज का नाम है जाधव चाय सिंह, ये मेरेडी गोंडा का रहने वाला है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें इसमें हमने आइडेंटिफाई करते हुए जो प्रॉपर्टी लॉस्ट हुआ था उसको रिकवर किया। जो टोटल प्रॉपर्टी लॉस्ट हुआ था 100% यहाँ पे रिकवरी हुआ है। इसमें जो रिकवरी है वो है टोटल 1 लाख रुपीज़ कैश, उसके बाद में 40 kg कॉपर वायर, साथ में कुछ कॉइन्स है और सिल्वर 2 सिल्वर कॉइन्स, ये पूरा रिकवरी यहाँ पे हमारी तरफ से किया गया। इसी के अंदर साथ में एक्यूज की तरफ से एक स्प्लेंडर बाइक भी हमने सीज किया है जो चोरी के दौरान उसने यूज़ किया था। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी था इसका इवनिंग टाइमिंग में इसने स्क्रू ड्राइवर्स एंड ये यूज़ करते हुए परचेस किया भैंसा टाउन में, और जो शटर था उसके पीछे का, उस शटर को उसका स्क्रू निकालते हुए उसने अंदर एंटर किया था। तो इसी के अंदर पुलिस ने प्रॉपरली इंक्वायरी करते हुए CCTV जो कैमराज है उसको चेक किया। आप सभी को पता है कि भैंसा टाउन में टोटल 1500+ CCTV कैमराज यहाँ पे है। उसी कैमराज के दौरान हमने सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और इसमें जो 21% है उसको हमने आइडेंटिफाई करते हुए उसको अरेस्ट किया। ठीक है, टीम था इंक्वायरी टीम पुलिस की तरफ से जिन्होंने ये आइडेंटिफिकेशन किया और प्रॉपर्टी रिकवर करने में मदद की, आज हम उनको कैश रिवार्ड दे रहे हैं। अंदर एंटर किया था तो इसी के अंदर पुलिस ने प्रॉपर्ली इंक्वायरी करते हुए CCTV जो कैमराज है उसको चेक किया। आप सभी को पता है कि भैंसा टाउन में टोटल 1500+ CCTV कैमराज यहाँ पे है। उसी कैमराज के दौरान हमने सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और इसमें जो 21% उसको हमने आइडेंटिफाई करते हुए उसको अरेस्ट किया। तो फिर से एक बार हम उसको रेडी कर सकते हैं।